हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज हम हैं साउथ दिल्ली में और आज हम जाने वाले हैं WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि बनाया जा रहा है नरोजी नगर में। ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेजेस पर है। आज हम इसे देखने जा रहे हैं, दिल्ली का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि दिल्ली के हार्ट में बनाया गया है, नरोजी नगर में, सरोजी नगर के बिल्कुल साथ में। अभी हम सरोजी नगर में हैं और यहाँ से हम नरोजी नगर की तरफ जाएंगे। इस तरफ का सारा एरिया जो है वो रीडेवलप हो चुका है। यहाँ पर अगर आप पहले आए होते तो आपको ऐसी हाई राइज जो बिल्डिंग्स है वो नज़र नहीं आती, डबल स्टोरी जो फ्लैट्स हुआ करते थे वो हुआ करते थे। सारा ये जो एरिया है गवर्नमेंट का एरिया हुआ करता था। यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए घर हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें डिमोलिश करके ऐसा मल्टी लेवल हाई राइज अपार्टमेंट्स के तरीके से बना दिए गए हैं। और ऐसा इस तरफ नरोजी नगर हो, चाहे वो सरोजी नगर या नेताजी नगर, हर तरफ ऐसा चल रहा है। नई कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको, अभी हम रास्ते में जाएंगे यहाँ से, तो आपको नज़र आता रहेगा। चाणक्यपुरी के भी अंदर हम जाएंगे और देखते रहेंगे जो नया बदलाव इस तरफ आया है दिल्ली के हार्ट में। ये दिल्ली की साइड्स नहीं है, बिल्कुल दिल्ली का मेन एरिया सरोजी नगर। तो यहाँ से हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनती जा रही है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो भी अब बनके ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तो उसे भी देखने वाले हैं बाहर से। ये लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो कि नेताजी नगर में बनाई जा रही है। नेताजी नगर सरोजी नगर के बिल्कुल अपोजिट में था और यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो फ्लैट्स थे वो थे, लेकिन उन्हें डिमोलिश करके यहाँ पर कुछ एरिया जो है वो ऑफिशियल रखा जाएगा, कुछ यहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो भी बनाई जाएंगी। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये टीम के जो मेटल सीट्स हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी। तो ऐसे काम दोनों तरफ यहाँ पर चल रहे हैं, राइट में सरोजी नगर है, लेफ्ट में नेताजी नगर है, और भी हम नरोजी नगर की तरफ जा रहे हैं। हम आगे से जाएंगे। ये लेफ्ट में आपको जो गेट दिख रहा है, सरोजी नगर डिपो है, बस डिपो यहाँ पर बनाया गया, बहुत पुराना डिपो है। और लेफ्ट और राइट में आप देखें तो आपको मेटल सीट्स यहाँ पर नजर आएंगी। पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था वहाँ पर भी थी, लेकिन वहाँ पर अब हटा दी गई है, तो हमें साफ साफ जो व्यू है वो नज़र आने वाला है। ये जो जगह है दिल्ली की बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और शांति से भरपूर जो जगह है वो है। यहाँ पर आपको बहुत कम जो भीड़ भाड़ है वो नज़र आता है, ट्रैफिक भी बहुत ही हल्का यहाँ पर नज़र आएगा। सामने जो ब्यूटीफुल से आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है लीला प्लेस होटल जो कि चाणक्यपुरी में आता है, वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल इन दिल्ली। और इसको बनाया गया था 2011 में। ये जो सर्कल है, जैसे ही हम इसको पार करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं चाणक्यपुरी में, और ये जो होटल है ये भी चाणक्यपुरी में आता है। यहाँ पर आप जैसे ही चाणक्यपुरी के अंदर एंट्री करते हैं, आपको दीवारों पर हर तरफ यहाँ पे कलाकृतियाँ जो हैं वो नज़र आने वाली हैं। हर तरफ चित्रकारी जो बनाई गई है वो हिंदुस्तानी जो लोक कला है उसको दर्शाते हुए बनाई गई है। तो यहाँ से ये जो डिज़ाइन है आप दोनों तरफ रोड के देख सकते हैं। साथ में यहाँ आगे से चाणक्य जो सिनेमा है जिसे अब रीडेवलप किया गया है, यहाँ से जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो जो चाणक्य सिनेमा है उसकी तरफ आ जाते हैं। हालांकि अब उसको रिनोवेट करके मॉल प्लस सिनेमा हॉल बना दिया गया है। 2007 में बंद कर दिया गया था और उसके बाद री ओपन हुआ है 2017 में। नई कंस्ट्रक्शन है ये भी यहाँ पर। और जो फिल्मों के शौकीन हैं, सिनेमा के शौकीन हैं दिल्ली के अंदर खासतौर पर, वो इस जगह को ज़रूर जज्बाती तौर पर अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिल्ली में रहा है उसने कभी ना कभी कोई ना कोई मूवी देखी होगी। जब तक यहाँ पर जो सिंगल स्टैंड अलोन जो चाणक्य सिनेमा था वो था, ये यहाँ पर आप देखें तो ये जो है चाणक्य की एंट्री है। अब मॉल भी बन चुका है। ये जो जगह है दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पोशेस्ट एरिया है चाणक्यपुरी का, काफ़ी क्लीन, नीट और ओपन एरिया। यहाँ पे काफ़ी सारे जो एम्बेसीज हैं वो यहाँ पर हैं, और उसकी वजह से इस जगह पर विदेशी जो टूरिस्ट हैं काफ़ी मात्रा में आते हैं, और अगर आपको वीज़ा के लिए आना है तो वो भी आपको यहाँ आना होता है। अब हम यहाँ से जो आउटर रिंग रोड है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये जो रास्ता है यहाँ से मोती बाग की तरफ जाता है। मोती बाग पर भी अगेन जो रीडेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट कॉलोनीज़ का वो भी हुआ है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी दिल्ली जो है रीडेवलप हो रही है, नई नई कंस्ट्रक्शंस हो रही है, जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे उन्हें डेमोलिश करके नया बनाया जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है कि जो कुछ भी बनाया जाए वो इस तरीके से बनाया जाए कि जो दिल्ली की हरियाली है वो भी बरकरार रहे, और साथ में जो आधुनिक राजधानी का सपना है वो भी साकार हो सके।
अब हम आउटर जो रिंग रोड है उसके पास पहुंचने वाले हैं। सामने इनफैक्ट आपको एक स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा होगा, वो मोतीबाग का मेट्रो स्टेशन है जो कि पिंक लाइन का आता है। तो ये कनेक्टिविटी भी आपको हर तरफ जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है मिलती है। यही जो मेट्रो है ये सोजी नगर भी जाती है, लाजपत नगर भी जाती है। तो कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली का बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुका है पहले से। यहाँ से ये जो रास्ता लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है ये आउटर रिंग रोड पर चला जाता है, वहीं से हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पर राइट में जो स्ट्रक्चर है मेट्रो का ट्रैक, वो यहाँ से एलिवेटर से अंडरग्राउंड हो जाता है और यहाँ से आगे सरोजिनी नगर और लाजपत नगर ये अंडरग्राउंड ही चलती है। ये भी मेट्रो जो है ये भी अभी रिसेंटली में यहाँ पर स्टार्ट हुई है 2018 में, लगभग 6 साल पहले ये जो ट्रैक है यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था और तब से यहाँ पर मेट्रो आई है आउटर रिंग रोड पर। सामने आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग वो हयात होटल है जो कि आर के पुरम में आता है। तो एक होटल आपने देखा चाणक्यपुरी में लीला प्लेस और साथ में ही हयात होटल जो है वो भी यहीं पर आ जाता है। तो इस तरीके के जो होटल्स हैं ये काफ़ी पुराना होटल है, लगभग 1982 के आसपास बनाया गया था। और अब यहाँ से हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ पहुँचने वाले हैं। आगे बिकाजी कामा प्लेस आएगा जो कि एक कमर्शियल ऑफिशियल प्लेस है, इनफैक्ट आपको उसकी बिल्डिंग भी सामने नज़र आने लग गई होगी। और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, लगभग 12 टावर्स वहाँ पर बनाए गए हैं वो हम देखने वाले हैं। ये जो बिकाजी कॉम्प्लेक्स है 1980s में यहाँ पर बनाया गया था और यहाँ नीचे मेट्रो भी चलती रहती है, जैसे हमने बताया था अंडरग्राउंड मेट्रो है बिकाजी कामा प्लेस की। और 1980s के बाद अब अगर आप देखें तो 2024 में नया जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स एक तरीके से आप कहें वो आपको नज़र आता है। तो पुराना भी यहाँ पर है और नया सामने जो आपको ग्लास की बिल्डिंग्स नज़र आ रही है वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि अभी 2024 में यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर 12 टावर बनाए गए हैं और 10 मंजिला इन्हें बनाया गया है। अभी यहाँ पर जो ऑफिसेज हैं वो ऑलमोस्ट खुल चुके हैं और ऑपरेशनल है। कुछ फिनिशिंग वर्क जो है अभी कंप्लीट होने बाकी हैं, लेकिन कुछ एक बिल्डिंग्स जो कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पर ऑफिसेज आ चुके हैं। तो ये जो जगह है ये दिल्ली के हार्ट में है, सेंटर में है और आप देख सकते हैं कितनी आधुनिक मॉडर्न आर्किटेक्चर पर ये जो जगह है वो बनाई गई है। यहाँ आगे से हम यू टर्न लेके इस बिल्डिंग्स को काफ़ी पास से भी देखने वाले हैं और रुककर भी देखेंगे कि कैसा यहाँ का नज़ारा हमें लगता है। एंट्री अंदर तो नहीं हो सकती क्योंकि ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है और जो यहाँ पर शॉपिंग आर्केड वगैरह बनना है वो अभी बना नहीं है। यहाँ इस रोड से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो जो एम्स हॉस्पिटल है, सफदरजंग है, लाजपत नगर, साउथ एक्स और आसम से होते हुए नोएडा भी जा सकते हैं। हम यहाँ इस कट से यू टर्न ले लेंगे और जो पास से कॉम्प्लेक्स जो है उसे देखने वाले हैं। यहाँ पर सफदरजंग इंक्लेव भी है, बहुत ही पोस्ट एरिया है, लेफ्ट में आपको नज़र भी आएगा। तो यहाँ से हम यू टर्न लेने के बाद जो कॉम्प्लेक्स की एक छोटी रोड है, सर्विस रोड, अभी पूरी तरीके से बनी है या नहीं बनी हम देख लेते हैं। यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ से आप ये सर्विस रोड एक तरीके से कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स की। सामने आप देख सकते हैं NBCC का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली गेट नंबर 1 है और अंदर आप देखें तो गाड़ियां भी पार्क है क्योंकि यहां पर जो इन बिल्डिंग्स में ऑफिसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऑफिसेज यहां पर खुल चुके हैं और काफ़ी जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज और भी हैं वो भी खुल रहे हैं। प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर रेंट आउट कर सकती हैं ऑफिसेज। पिछले कुछ सालों में ये तीसरी ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत ही आइकॉनिक है, भारत मंडपम जो है वो, उसके बाद यशोभूमि और अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली के बीचों बीच ये भी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आगे से ये जो होने वाला है इसका मेन गेट होने वाला है, यहाँ पे फूड एंड बेवरेज भी आपको उपलब्ध होगा। तो जब वो हो जाएगा तो आप आराम से एंट्री कर पाएंगे। ये यहाँ का एंट्री एरिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा गाड़ी रोककर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का पूरा डिज़ाइन यहाँ पर बनाया जा रहा है। कुछ हिस्सा जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ये जो हिस्सा ये शॉपिंग आर्केड और फूड एंड बेवरेज का हिस्सा बनने वाला है। ग्रीन यहाँ पर ऊपर आपको पूरा एरिया मिलने वाला है। अगर इस तस्वीर को आप देखें तो ये जो है ये सेंट्रल एरिया है जिसे हम अभी खड़े होकर देख रहे हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है वो बनने वाला है और जब ये बन के आपको नज़र आएगा तो सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगने वाला है और आप जब यहाँ पे घूमेंगे तो ज़रूर आपको एक अलग एहसास होगा।
अभी यहाँ की स्थिति जो है वो ये है और ऑलमोस्ट लगता है अगले कुछ महीनों में ये काम भी आगे का हो जाएगा। पीछे जो बिल्डिंग्स हैं वो तो पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पर हो रखी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% जो काम है वो हो चुका है, थोड़ा बहुत जो काम है वो रहता है और जब वो काम हो जाएगा तो आम आदमी जो है वो भी यहाँ पर एंट्री कर पाएगा। तब यहाँ पर जो शॉपिंग है और फूड एंड मार्केट वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी ऑफिशियल जो कॉम्प्लेक्स है वो तो यहाँ पर ओपन है और कहाँ तक ये जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे गेट भी बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर जो इन एंड आउट है वो आसानी से किया जा सके, क्योंकि इस तर्ज पर यहाँ पर जो लोग हैं वो आने वाले हैं। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये 25 acres का, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें 12 बिल्डिंग्स हैं, 10 फ्लोर का ये बनाया जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर जो मेट्रो का एक गेट है, पहले इस तरफ नहीं था, बीकाजी कामा प्लेस से इस तरफ की तरफ कोई गेट नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर एक गेट भी बनाया जा रहा है डेडिकेटेड, जो सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ आपको पहुँचा देगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।